मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं दी रलन टॉप, उत्तर प्रदेश का एटा जिला। यहाँ पुलिस पर आरोप है कि खाना खाने के पैसे मांगने की वजह से पुलिस वालों ने ढाबा मालिक और उसके स्टाफ को गलत केस में फंसाकर जेल भेज डाला। ढाबा मालिक ने डीएम से शिकायत की। अब एडिशनल एसपी की जांच के बाद एक इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एटा के एडिशनल एसपी राहुल कुमार ने अपनी जाँच में पाया कि इंस्पेक्टर और दो हेड कांस्टेबल ने पिछले महीने झूठा मामला बनाकर ढाबे पर कुछ ग्राहकों सहित 10 व्यक्तियों को फंसाया था। अब पुलिस कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, जिसमें 384, 342, 336 और 211 सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला क्या है? प्रवीण कुमार कभी टाटा केमिकल में इंजीनियर हुआ करते थे। 3 साल पहले एक सड़क हादसे में उन्होंने अपना पैर गंवा दिया। दूसरा पैर भी ठीक से काम नहीं करता। इलाज में काफ़ी पैसे खर्च होने के बाद घर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद प्रवीण ने अपने रिश्तेदार से ज़मीन किराए पर लेकर 5 महीने पहले ही ढाबा शुरू किया। उनकी माँ और भाई ढाबे के काम में उनकी मदद करते हैं। प्रवीण कुमार ने बताया कि उनका ढाबा एटा से 5 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर खुशालगढ़ गाँव के पास है। 4 फरवरी को ढाबे पर संतोष और शैलेंद्र नाम के सिपाही खाना खाने आए। प्रवीण के भाई ने सिपाहियों से खाना खाने के बाद पैसे मांगे। इसके बाद सिपाही गुस्सा हो गया। अगले दिन पुलिस ने प्लानिंग के तहत होटल पर दबिश दी। 11 लोगों को होटल से उठाकर ले गई। ये भी आरोप है कि इसमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने 1,00,000 रुपए लेकर छोड़ दिया। वहीं 10 लोगों को झूठे केस लगाकर जेल भेज दिया। ढाबा मालिक प्रवीण ने बताया, पुलिस वाले खाना खाने के पैसे नहीं देते थे। 4 फरवरी को सिपाही शैलेंद्र यादव और संतोष यादव खाना खाने आए। पैसे मांगने पर भैया से मारपीट की। भैया को उठाकर ले गए, उनके पास 80 लीटर अल्कोहल दिखा दिया। होटल पर फर्जी मुठभेड़ दिखाई कि गोली चली है। 2 किलो गांजा सब दिखा दिया। अभी सभी जेल में हैं। लगभग 10-11 लोगों को उठाए थे। एक हैं बॉबी यादव, उनके बारे में बताते हैं कि 1,00,000 लेकर छोड़ दिया। बिहार के चंपारण के रहने वाले राहुल कुमार सिंह का कहना है कि जब पुलिस आई वे ढाबे पर खाना खा रहे थे। राहुल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनके दोस्त अभी भी जेल में हैं। उन्होंने बताया, वे हमें पूछताछ के बहाने ढाबे से ले गए, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने हमारी पिटाई की, हमारा सामान ले गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर देसी हथियारों को हमसे बरामद दिखा दिया। पुलिसकर्मियों ने गांजे का फिर इंतजाम किया और हमसे बरामद हुआ दिखा दिया। मैं लगभग 40 दिनों तक जेल में रहा और मेरे दोस्त अभी भी अंदर हैं। SHO इंद्रेश पाल सिंह को पिछले हफ्ते ही सस्पेंड कर दिया गया था। औचक निरीक्षण के दौरान जब्त की गई 1400 कार्टन शराब स्ट्रांग रूम से गायब मिली थी। अलीगढ़ रेंज के IG पीयूष मोदिया ने बताया कि मामले की जांच अलीगढ़ ट्रांसफर कर दी गई है। शैलेंद्र और संतोष कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच करने वाले एडिशनल SP क्राइम राहुल कुमार ने बताया, पूर्व से ही नामजद थाना अध्यक्ष इंद्रेश पाल सिंह के खिलाफ और 2 सिपाही शैलेंद्र और संतोष के खिलाफ झूठे तरीके से गांजा और कारतूस कट्टे और अल्कोहल लगाकर 10 लोगों को, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई बिहार का है, कोई अलग अलग गांव का है, सबको इकट्ठा करके जेल भेज दिया गया। यहाँ का एक शराब माफिया है बंटू यादव, उसने थाने पर आकर गांजा और शराब उपलब्ध कराया है। उसी गांजे और अल्कोहल को इन लोगों से बरामद दिखाया गया है। एडिशनल SP ने आगे बताया, पूछताछ के दौरान मैंने ढाबे के पास खेतों में काम करने वाले कई लोगों से बात की। तथाकथित मुठभेड़ में किसी ने गोलियों की आवाज़ नहीं सुनी। हमने 10 व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की भी जांच की और पाया कि 2 को छोड़कर किसी के खिलाफ कोई मामला नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक प्रवीण कुमार का कहना है कि सिपाही संतोष कुमार ने मुझे अदालत परिसर में धमकाया, मैं इसकी शिकायत एटा के SSP से करूंगा। ये मामला दिखाता है कि जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो चंद पैसों के लिए कैसे झूठे केस में फंसा कर एक नहीं बल्कि 10-11 लोगों को जेल भेज देती है। अब देखना होगा कि इन आरोपी पुलिस वालों पर कितनी जल्दी क्या कार्रवाई होती है और क्या सजा मिलती है। जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दी रलन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।